तो सबसे आज अपन पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके आगे भी बहुत सारे चैप्टर आएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, तो अपने चैप्टर का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। कब क्या कैसे हुआ, तो देखिए राशिदास क्वेश्चन। अब राशिदा एक लड़की है छोटी सी, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, तभी उसकी आईज एक छोटी सी हेडलाइन पे गई। 100 ईयर एगो, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, क्या कोई पता लगा सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ। आप ये तो बता दोगे कि 1 साल पहले आपके टीचर कौन थे, या आपको याद नहीं तो किसी दोस्त को है कल क्या हुआ आप बता दोगे। ये शॉर्ट डिस्टेंस हो गई, मतलब आपने कल क्या किया वो भी एक पास्ट है, मतलब हिस्ट्री है। आपने 1 साल पहले क्या किया वो हिस्ट्री है, आपने 100 साल पहले क्या हुआ वो भी हिस्ट्री है, और 1000 साल पहले क्या हुआ वो भी हिस्ट्री है। फाइंड आउट व्हाट हैपन, क्या हुआ। यस्टरडे यू कुड लिसन द रेडियो, क्या तुमने रेडियो सुना, वॉच टेलीविज़न, या फिर तुमने टीवी देखा। रीड न्यूज़पेपर, क्या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा। लास्ट ईयर आस्क समबडी हू रिमेंबर, किसी से पूछो पिछले साल क्या हुआ था उसको याद है। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन क्या होगा अगर बहुत साल पहले की बात की जाए, बहुत बहुत। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, अब देखते हैं ये डन कैसे हो सकता है। अब देखिए अपना फर्स्ट है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अपन पास्ट के बारे में कैसे समझ सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। द क्लोथ्स दे वॉर, लोग क्या कपड़े पहनते थे। द हाउस इन विच दे लिव्ड, कौन से घरों में वो रहते थे। We can find out about the lives of hunter, hunters कैसे रहते थे, शिकार करने वाले लोगों को hunter कहते हैं। Herders, गडरिए, farmers, rulers, rulers मतलब kings, merchants मतलब जो अपना व्यापार करते, जैसे सेल किया और ख़रीदा और बेचा। प्रेस्ट मतलब अपने संत महात्मा। क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट बनाते हैं। आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होते हैं सबको पता है। म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट के बारे में। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, अपन ये भी जानेंगे कि लोग कौन कौन, मतलब वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, अभी तो फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं, लेकिन पहले नहीं होते थे, तो पहले बच्चे क्या गेम खेलते थे वो जानेंगे। द स्टोरी दे हर्ड, वो कौन सी कहानियाँ सुनते थे। द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग दे सैंग, वो किस प्रकार अपना गाना गाते थे, तो ये सब अपन पढ़ेंगे। तो आइए अब अपन अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, अब लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, जो रिवर नर्मदा है उसे मैप 1 पे फाइंड करो, जो पेज नंबर 2 पे है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स, अब लोग बैंक मतलब बैंक जैसे, वो एटीएम वाला बैंक नहीं है, कार्ड घुसाया और पैसे ले गए, वो वाला बैंक नहीं है, ये है मतलब किनारे, नदी के किनारे। ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर, 100 साल पहले लोग यहाँ रहे हैं। अब क्यों रहे हैं, क्या उनको मजा आता था नदी देखने में, नहीं। सम ऑफ अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड स्किल गैदरर्स, मतलब पहले जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स भी होते थे। अब देखिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिवर पे के पास लोग क्यों रहते थे, क्योंकि है ना, देखो अभी तो आपके घर पे पाइपलाइन होती है, सब होते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, तो है ना, वो है ना पानी के पास ही रहते थे, जिससे वो क्या कर सके, पानी जैसे घर से बाहर निकले ये पानी निकाल लिया, तो
बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये पानी ख़त्म हो गया अब जहने जाना पड़ेगा वापस से। सम ऑफ अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड स्किल्ड गैदरर्स, अब जो जंगलों में रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स होते थे, मतलब अपने काम में बहुत स्किल्ड थे वो लोग। दैट इज पीपल गैदर देयर फूड, मतलब वो अपना फूड ऐसे कमाई करी और ऐसे खरीद के नहीं खाते थे, रास्ते में जो मिल गया, जैसे वो फॉरेस्ट में रहते थे। दे न्यू अबाउट द वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो प्लांट्स प्रोडक्ट होते थे वो उठा लेते थे, सराउंडिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के सराउंड कलेक्ट रूट, रूट्स कलेक्ट करते थे, जैसे पोटैटो की रूट होती है, फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को भी हंट करते, एनिमल्स पकड़ के खा लेते। नाउ फाइंड सुलेमान किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, हम नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथार हिल्स को फाइंड करो। सम ऑफ एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच दैट बर्ली अबाउट 8,000 ईयर्स एगो एंड लॉकेट हर पीपल ऑल्सो बिगेन रेंगिंग द शीप गोट एंड कैटल लिव विलेजेस, मतलब मैंने बहुत सारा पढ़ दिया, मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। देखिए कि है ना, ये देखिए, ये जो ये पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान है, लेकिन पहले कोई बॉर्डर नहीं होता था, तो ये सुलेमान और किरथार हिल्स थी। यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने क्रॉप ग्रो की कितने साल पहले, 8,000 ईयर्स पहले। अब ये बोलोगे कि अभी तो जैसे 2023 चल रहा है, तो 8,000 ईयर्स कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं है 2023 तक सीमित थी, है बहुत पहले से है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो है ना, ऐसे उन्होंने यहाँ पे है ना सुलेमान और किरथार पे उन्होंने फर्स्ट बर्ली और वीट ग्रो की 8,000 साल पहले, और वो उन्होंने एनिमल लिव्ड इन विलेजेस, जो विलेज में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स, आप गारो हिल्स को लोकेट करो, देखो ये है गारो हिल्स, यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले अपने जानवर पाले थे। देखिए टू द नॉर्थ ईस्ट इन द विंध्यास सेंट्रल इंडिया, अब ये विंध्यास है और इसका नॉर्थ क्या हो गया, ऊपर ऐसे। एंड विंध्यास एंड सेंट्रल इंडिया, दिस वर सम अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ये कुछ जगह है जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, अब देखिए विंध्यास, देखिए विंध्यास, ये विंध्यास और विंध्यास के नॉर्थ में यहाँ पे चंबल, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, राइस ग्रो किया गया है, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने राइस ग्रो किया था, मतलब जो अपने आदिवासी लोग थे। ट्रैस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटीज, अब मैं आपको समझाता हूँ ट्रिब्यूटीज क्या होती है। जैसे मैं एक नदी हूँ, ये मैं हूँ एक नदी, ठीक है, आराम से बह रहा हूँ मैं, है ना, और फिर एक रास्ते से एक छोटी सी नदी आके मेरे से मिल गई, मतलब आप आगे मेरे से मिल गए, और फिर यह आगे बढ़ रही है, फिर यहाँ पर कोई आगे जुड़ गया, फिर यह आगे बढ़ रही है, तो ये सारी हो गई ट्रिब्यूटरीज। अब रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, जैसा आपने अभी बात किया कि ना एक लार्जर रिवर के अंदर एक छोटी सी रिवर आके मिल जाए, तो उसे अपन ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है बड़ी रिवर की। वो अबाउट 4,700 ईयर, 4,700 साल पहले, सम ऑफ अर्लीस्ट सिटीज फ्लॉरेस्ट बैंक ऑफ दिस रिवर लेटर, मतलब यहाँ पे है ना रिवर्स के बैंक पे जो
अबाउट 2500 ईयर्स आगे सिटीज डेवलप, यहाँ पे सिटीज डेवलप्ड हुई थी, फली फूली थी, फ्लोरेस्ट का मतलब होता है फली फूली। बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड लॉन्ग द सी कोस्ट, यहाँ एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। अब देखिए, लॉकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सून, मतलब गंगा की ये ट्रिब्यूटरीज अपन मैप पे मार्क करेंगे। इन एशियन टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन मगध, जो साउथ था गंगा का उस एरिया को मगध के नाम से जानते थे, जैसे अपन बोलते हैं बिहार, स्टेट बिहार। इट्स रूलर वॉज वेयर वेरी पावरफुल, उसके रूलर जो थे बहुत पावरफुल होते थे, एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, वो एक लार्ज किंगडम पर राज करते थे। किंगडम वर सेट अप द पार्ट ऑफ कंट्रीज, ये कंट्रीज के पार्ट से जुड़ा हुआ था, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये है मगध, अब यहाँ पे आके जो जुड़ रहा है, ये स्टेट जुड़ गया, ये स्टेट जुड़ गया, आधा इधर का जुड़ रहा है, आधा इधर का जुड़ रहा है, तो ऐसे बन के ये चाइना है, तो यहाँ आके यूँ जुड़ गया, बॉर्डर तो था नहीं पहले, जैसा अभी अपन ने करतार और सुलेमान के बारे में बात करी। Thought people traveled from one part of the subcontinent to another. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। The hills and high mountains include Himal, desert, river and sea made journey dangerous times but never impossible. मतलब पहले क्या होता था, desert, Himalayas, rivers, ये सब जो होते थे, अभी तो जैसे आप हेलीकॉप्टर पे बैठे और यूं आराम से उड़ गए हिमालय से, एक डेजर्ट यूं ही पार कर दिया, लेकिन पहले तो आया ऐसे व्हीकल्स होते नहीं थे कि उड़ के चले जाओ, पहले लोगों को चल के जाना पड़ता था बड़ी सी बड़ी जगह पे, तो चल के जाना पड़ता था, ले और ये मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था, लोग इसको करने जाते थे। So men and women moved in search of livelihood. Men और women जो हैं livelihood के लिए जाते थे, as also escaped from natural disaster like flood and drought. मतलब अगर जैसे ये kingdom है और यहाँ पर तूफान आ गया, मतलब आंधी आ गई, drought आ गया, अकाल पड़ गया, तो उनको वो एरिया छोड़ के जाना पड़ता था। Sometimes men met in areas conquered other lands beside merchant travel with canvas or ship carrying travel goods place to place, मतलब जो वो लोग थे merchants व्यापारी, वो तो ships और इनसे जाते थे आराम से, और वो अपना सामान बेचने के लिए ट्रैवल करते थे प्लेस टू प्लेस, और ये एक अच्छा तरीका था। एंड विलेज टीचर वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस द वे, मतलब है ना जो टीचर्स लोग होते थे, जैसे एक टीचर है उसने यहाँ पे है ना बच्चों को पढ़ाया, फिर वो यहाँ गया, यहाँ उस वो रुका, उसने यहाँ बच्चों को पढ़ाया, फिर यहाँ रुका, यहाँ पढ़ाया, फिर यहाँ गया, यहाँ पढ़ाया, फिर यहाँ गया, यहाँ पढ़ाया, और ये अपने ज्ञान का प्रचार भी करते थे, जैसे अपने जो संस्कृति होती है ना उसका। फाइनली सम पीपल प्रैक्स ट्रैवल ड्राइविन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोग एडवेंचर करने के लिए भी घूमते थे, वेंटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड
एक्साइटिंग प्लेसेस। एक्साइटिंग प्लेसेस के लिए जाने के लिए ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग आइडियाज बिटवीन पीपल। और इसी बीच लोगों के आइडियाज शेयर होने लगे, जैसे ये इंडिया है, अब मेरे को इंडिया बनाना नहीं आता, तो राजस्थान है और ये तमिल है, तो यहाँ से कोई यहाँ गया है ना, वो उससे पूछेगा जैसे कि आप ये कपड़े पहनते हो, हम भी ये पहनेंगे, आप ये कपड़े पहनते हो तो ये हम भी पहनेंगे, ये वाले हम आपका पहनेंगे, आप हमारा पहन लेना, ऐसे हो जाता था। तो ऐसे आइडिया शेयर होने लगे। वेयर डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, अब लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, वाई? लुक एट मैप वन वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फॉर्चन सब कॉन्टिनेंट। अब जो सब कॉन्टिनेंट शब्द है इसमें आप कन्फ्यूज ना होइए, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट शब्द जो है वो यूज़ हो रहा है इंडिया के लिए, समझ गए? तो हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल ऑफ इंडिया, ये नेचुरल इंडिया के। वाइल इट डिफ़िकल्ट क्रॉस, इनको डिफ़िकल्ट होता था क्रॉस करना, दोज हु वांटेड कुड डेड सेल द माउंटेन्स, मतलब वो माउंटेन्स को पार करके अपनी चीज़ें सेल करने चाहते थे वो लोग। एंड क्रॉस द सीज, सीज को क्रॉस करना, समुद्रों को। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर, और वो सेटल हो गए इसमें। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल अर्चेंट कल्चरल ट्रेडिशन, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वे कैरिंग, पीपल्स ने न्यू वे शेयरिंग किया, जैसे स्टोन कंपोजिंग म्यूजिक एंड फूड, मतलब जैसे मैंने बताया लोग है ना आइडियाज चेंज कर देते थे, तो अब कोई स्टोन से मूर्ति बनाता था, अपने यहाँ मेटल से बनती थी, तो है ना वो मेटल से बनाने लगे, अपन स्टोन से बनाने लगे। जैसे खाना मैंने जैसे बताया, राजस्थान से कोई तमिल में गया तो वो तो इडली डोसा भी खाएगा, बाटी भी खाएगा, और वो लोग भी बाटी खाएंगे और अपने इडली डोसा तो खाएंगे ऐसे। टू द वर्ल्ड, नहीं सॉरी, नेम ऑफ द लैंड, अब अपन जानेंगे लैंड के नेम। टू ऑफ द वर्ल्ड वी ऑफन यूज कंट्री आर इंडिया एंड भारत, अब अपन अपने देश के लिए कौन कौन से शब्द यूज करते हैं, एक तो करते हैं इंडिया और दूसरा करते हैं भारत, लेकिन क्यों इनको इंडिया और भारत क्यों बोलते हैं? तो देखिए द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, अब ये जो शब्द है संस्कृत को, इंडस रिवर जो अपन ने देखी थी, रुको दिखा देता हूँ मैं आपको मैप पे, तो ये है इंडस रिवर, ठीक है, जो यहाँ नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट में पड़ती है, ओके, और इसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो अब आप बोलोगे इंडस और इंडिया कितना फ़र्क है, इंडस क्या हो गया और इंडिया कितना फ़र्क है, और इस अब देखें फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन एटलस, अब ईरान और ग्रीस को आप एटलस में फाइंड करना, वो अपने वेस्ट साइड में। द ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु वाज थॉट द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर तक, वो ये 2500 साल पहले आए थे, अब वो एंड वेयर फैमिली विद द इंडस, और इन्हें अच्छी लगी इंडस रिवर, लेकिन वो उसे इंडस नहीं बोल पाते, तो कॉल्ड इट द इंडोस, उसे इंडोस बोलते हैं, इंडोस बोलते हैं।
to east of the river India. सॉरी, फिर है ना ऐसे बोलते बोलते कब वो इंडिया बन गया पता नहीं चला, और फिर उन्होंने इस कंट्री को इंडिया बोल दिया कि ये कंट्री इंडिया, क्योंकि इंडिया फिर वो इंडिया बोलने लग गए थे, वो सही बोलने लग गए थे. द भारत वॉज यूज टू ग्रुप ऑफ पीपल, भारत यूज होता है ग्रुप करने के लिए पीपल को, हु लिव्ड इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, एंड हु मेंशन द रिविद रहवत वेद, मतलब ये एक वेद है, चार वेद होते हैं उनमें से एक वेद ये है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर अगो, डेटेड इट वाज यूज्ड टू कंट्री, मतलब इस वेद में लिखा गया है अपने देश का नाम भारत, इसलिए इसको भारत बोलते हैं. लेकिन ये तो बुक के हिसाब से हो गया, और मेनली इसलिए बोलते हैं भारत पे पहले एक राजा राजकुमार थे जिनका नाम था भरत, और वो इतने वो थे वीर. देखो शेर तो सब भागते हैं, लेकिन वो भागते नहीं थे, शेर उनके सामने आया, उसका मुंह पकड़ा, आराम से दबाया और दांत गिन लिए, मतलब शेर भी डर जाता था ऐसे, और उन और वो अच्छे राजा भी थे, तो इसलिए उनका नाम जब पड़ गया भरत से भारत. फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, अब अपन को पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है, देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, यहाँ कुछ सेवरल तरीके हैं अपने पास्ट को फाइंड करने. वन इज सर्च रीड बुक दैट वेयर राइट लॉन्ग अगो, उन बुक्स को पढ़ लो जो लॉन्ग अगो, मतलब ये हिस्ट्री की बुक है, पहले सालों पहले की बुक है, तो ऐसे. और दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कह सकते हैं. अभी तो अपन को छपी हुई हिस्ट्री बुक, लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं. अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट, ये ग्रीक वर्ड जो है कहाँ से आया है, बिकॉज राइटिंग बाय हैंड, क्योंकि हाथ से लिखा है दिस फ्रॉम. देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स आया एक मनु, मनु होता है, मनु मतलब हैंड होता है, तो है ना, और हैंड से लिखी गई चीज़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स. देखिए यहाँ पे भी ये दे रहा है, लैटिन मैन्यू मीनिंग हैंड, दिस वर यूजुअली राइट ऑन पाम लीफ. अब पहले पेपर तो होते नहीं थे, पाम लीफ पे लिखते थे, पत्ते लिखते थे केले के पत्ते पे, और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री, जैसे ये है ट्री, और ये हिमालय में मिलता है मेनली, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ हिमालय में मिलता है, तो उसका पूरा ये ऐसा निकाल देते, फिर उसको चपटा करके उस पर है ना लिख सकते थे. जो हिमालय पे ग्रो करता है वैसे भी ये मेनली, तो लेकिन इतना भी मेनली नहीं मिल जाता दूसरी जगह. ओवर द मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, और कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट इतनी ज़रूरी मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय करती इंसेक्ट्स ने, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, कुछ ने सर्वाइव कर लिया, मतलब वो इंसेक्ट्स के हाथ नहीं लगी. ऑफन प्रिपेयर इन टेम्पल एंड माउंटेन्स, क्योंकि वो माउंटेन्स टेम्पल्स इनमें थी तो वहाँ कीड़े नहीं आए. दिस बुक डेल्थ विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, और ये सभी सब्जेक्ट के बारे में लिखी थी. रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस बिलीफ्स ऑफ किंग्स मेडिसिन एंड साइंस, अब किंग तो क्या लिखवाता था इन पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे, ये लिखवाता था किंग कि है ना उसकी दिनचर्या कैसी गई, कोई दिन अच्छा गया उसका, कोई उसने महारत हासिल कर ली ऐसे. बिसाइड दे वर एपिक पोएम प्लेम मैनी ऑफ देयर राइटिंग इन संस्कृत, कुछ पोएम जो संस्कृत में लिखी गई है, अदर वर इन प्रकृत. तो अब देखिए संस्कृत तो हो गई वहाँ की इंग्लिश, मतलब पहले की इंग्लिश, जैसे अभी कोई हिंदी बोलता है तो उसके लिए बोल देते ना क्या है ये, तो हिंदी हिंदी बोलता है, तो संस्कृत तब की इंग्लिश थी. जैसे इंग्लिश बोलता तो पढ़ा लिखा बंदा, जैसे अभी अभी भी ऐसा ही होता है,
और ये जो थी ये लैंग्वेज, ये तो है ना, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज थी हिंदी जैसे। ऑर्डर एंड टेम्पल, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अपन इंस्क्रिप्शन भी स्टडी करते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इन चीज़ के लिए स्टडी करते हैं। दीज आर राइटिंग और रिलेटिव हार्ड सरफेस, ये हार्ड सरफेस पे लेके जाते थे। जैसे ये एक हार्ड सरफेस है, मेटल हो गया, और जैसे मेटल स्टोन, और फिर है ना उससे ऐसे कुर्च कुर्च करके ऐसे लिखते थे। और फिर है ना पत्थर किसी इंसेक्ट में है इतना दम जो ऐसे खाएगा उसके सारे दांत नहीं टूट जाएंगे, इसलिए। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर, कभी कभी किंग को बहुत ज़रूरी ऑर्डर बनवाना होता था तो वो उस पर लिखवा दिया, टंगवा दिया राज्य में, और फिर लोग पढ़ते रहते थे। फिर वो है ना उसके टाइम के लोग पढ़े, 1 साल बाद लोग पढ़े, 100 साल बाद पढ़े, 1000 साल बाद अपन पढ़े, जो अभी अपन पढ़ भी रहे हैं। एंड रिलेटिव हार्ड सरफेस सच एज, सॉरी देयर आर किंग इनक्रिप्ट वेल देयर मैन वुमेन इंक्लूड किंग एंड क्वीन। वो रिकॉर्ड भी रखते थे कि उनका बेटा इतना है, फिर उसको इतनी संपत्ति थी, और फिर वो ऐसा हुआ, फिर हमने उसके साथ ऐसा किया, ये भी लिख पाते थे। वॉट दे डिड एग्जाम्पल किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड, जो बैटल, मतलब बैटल्स के बारे में मैंने जैसे बताया कि इसी युद्ध में महारत हासिल कर ली तो जीत गए। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस दैट कुड हैव डिफिकल्ट, क्या तुम्हें पता है ये है ना हार्ड सरफेस पे लिखवाने के क्या फ़ायदा, पैसे लगते थे क्योंकि इसमें तो, लेकिन फ़ायदा भी होता था, तो इस हार्ड सरफेस पे लिखाने का क्या फ़ायदा। देयर आर वर मैनी ऑफन थिंग दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में यूज़ की जाए, दोज हु स्टडी, जो इन्हें स्टडी करते दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया जो इनकी स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड स्टोन एंड ब्रिक्स, वो बिल्डिंग्स को करते स्टोन और ब्रिक्स जैसे, इनको करते पेंटिंग्स को करते हैं, दे एक्सप्लोर एंड एक्टिव, और वो इन चीज़ों को जोड़ जोड़ के बनाते थे। बिग अंडर सरफेस टू द अर्थ टू फाइंड टूल्स वेपन पॉट्स पैन एंड कॉइन, सम ऑब्जेक्ट यूज मेड स्टोन्स, स्टोन के बड़े टूल्स वेपन्स पॉट्स पैंस कढ़ाइयाँ सब देखते थे, और देखते हैं और फिर है ना उनको जोड़ के एक वो बनाते, और उनको ये भी काम होता है कि वो डेटिंग करें कि वो कितने साल पुरानी है। अदर बोन्स मे बी मेटल ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अ हार्ड सब्सटेंस यूजुअली सर्विंग फॉर लॉन्ग टाइम, और ये है ना ये जो स्टोन पर लिखी जाती थी ये सर्वाइव कर जाती थी बहुत लॉन्ग टाइम तक। अब देखिए हाँ तो ये देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक बोन्स ऑफ एनिमल्स बर्ड एंड फिश, अब आप बोलो हद कर दी, अब ये पहले वो ही देख रहे थे टूल्स वेपन्स, अब एनिमल्स फिश और इनकी बोन्स से इनको क्या लेना देना। टू फाइंड व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये पता करना कि लोग क्या खाते थे, जैसे ये बर्ड की मिल गई तो बर्ड खाते थे, फिश की मिल गई फिश खाते थे, एनिमल की मिल गई एनिमल खाते थे, अब ऐसा नहीं डायनासोर की मिल गई तो डायनासोर भी खाते थे इंसान, तो ऐसा नहीं, वो डेटिंग करते थे ना तो उससे उनको पता चल जाता था। प्लांट रिमेन सर्वाइव
मोर रियली प्लांट्स ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते थे इफ सीड्स एंड ग्रोन्स बेसिस ऑफ वुड बैन बर्नड, मतलब वो सूख जाते हैं, वे लोग काट के ले जाते दे सर चैट. डू यू थिंक क्लोथ्स इन फाउंड फ्रिक्वेंटली? आर्कियोलॉजिस्ट लोग, आर्कियोलॉजिस्ट को क्लॉथ आराम से मिल जाते. अब देखिए हिस्ट्री दैट क्लॉथ हु स्टडी द सॉरी स्टडी पास्ट ऑफन द वर्ड सोर्स ऑफ रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड मैन्यूस्क्रिप्ट इनक्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिस्ट जी आर्कियोलॉजी इन सबसे वो फाइंड करते थे ये चीज़ें, मतलब करते वंस मोर और आर फाउंड लर्निंग अबाउट पास्ट. फिर वो इनको स्टडी करके हिस्ट्री की बुक लिखते थे जो अपन को पढ़नी पड़ती है. बिकॉज एन एडवेंचर एज कंसिस्ट बिट बाय बिट सो हिस्ट्रियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर डिटेक्टिव. अब आर्कियोलॉजिस्ट एक तरीके से डिटेक्टिव होते हैं. अब बोलो कैसे डिटेक्टिव हो सकते, वो तो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, तो है ना क्लूज इकट्ठा करते हैं. वो क्लूज क्या हो गए उनके, जैसे हड्डियाँ और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये हो गए क्लूज. इनको जोड़ जोड़ के हिस्ट्री के क्राइम को ये लोग पकड़ते हैं और आज तक नहीं पकड़ पाए अच्छे से ये लोग, मतलब इनका काम ही है यही है. दिस सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड पास, जैसा अभी अपन ने बात किया वन पास्ट और मैनी. अब आपके बुक अपनी बुक पे लिखा है अवर पास्ट, मतलब आपने अवर पास्ट नहीं लिखा, पास्ट से लिखा है, क्योंकि जैसे पेन है तो पेंस, तो ये ग्रामर तो सबको पता है ना, पेन नहीं पेंस, तो पास्ट का प्लूरल फॉर्म पास्ट. तो पास्ट क्यों है, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग होती है और ये अब अपन समझ रहे हैं. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, जैसे अभी अभी अपन ने बात किया अवर पास्ट, वी हैव यूज दिस वर्ड पास्ट, कि अपन ने पास्ट शब्द क्यों यूज़ किया, क्या लिखने वाले से गलती हो गई, इतनी सारी बुक इसने पास्ट से के नाम से छाप दी. इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट, अटेंशन बनाने के लिए फैक्ट पे दैट द पास्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, सब लोगों का अलग पास्ट होता है. जैसे मेरा पास्ट कुछ और हो गया, आपका पास्ट कुछ और हो गया. फॉर एग्जाम्पल द लिव्स ऑफ हर्डर्स फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग एंड क्वीन. अब फार्मर्स हर्डर्स ये लोग जो होते थे इनके लाइफ डिफरेंस होती थी किंग्स और क्वीन से. द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम कारपेंट्स, अब इन सब इनकी भी डिफरेंस होती थी ऐसे. वन मिनट. यस ऑल्सो एज ट्रू एवर पीपल फॉलोड सॉरी प्रैक्टिस एंड कस्टम्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल टूडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड, कुछ लोग अंडमान आइलैंड पर रहते हैं, गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, जिन्हें अपना सारा खाना फिशिंग से मिलता है. हंटिंग द कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए जो गैदरर्स करते थे. बाय कंस्ट्रक्ट मोस्ट पीपल लिविंग सिटीज, अब ज़्यादातर लोग सिटीज पर रहते थे. अब सिटीज को किस पर निर्भर रहना पड़ता था, सप्लाई पे रहना पड़ता है, मतलब कि सप्लाई होगी तभी तो खाएंगे. डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाई, जैसा मैंने अभी कहा डिफरेंट सच ऑफ दीज एक्सेंट इन द पास्ट एज वेल. बिसाइड देयर अनदर किड्स ऑफ काइंड ऑफ डिफरेंट वी नो अ ग्रेट डेल अबाउट किंग एंड बैटल्स. अब उनको किंग्स के बारे में तो बहुत पता है उनके बैटल्स से, बिकॉज कैप रिकॉर्ड द हिस्ट्री, जो अपनी वो रिकॉर्ड रखते हैं. जनरली ऑर्डर हंटर्स फिशर क्लॉक गैदरर फार्मर हर्डर्स नॉट कीप रिकॉर्ड बट
archaeologists help us to find other leaves that remain. मतलब है ना, वो इनसे पता लगाते पॉट्स, और इन सबसे पता लगाते पॉट्स टूल्स नॉर्मल लोगों की लाइफ, क्योंकि देखो इतना पैसा तो उनके पास होता नहीं कि वो मेन्यू स्क्रिप्ट लिखवा लें या फिर पत्थरों पे हार्ड सरफेस पे लिखा दें, इतना पैसा तो होता नहीं था इसलिए। अब अपन डेट के बारे में समझेंगे, जो अपने लिए वैसे भी बहुत वो थी। What do dates mean? अब अपन समझते हैं। If somebody asks you date, will probably, अगर तुमसे कोई डेट पूछते हैं, maintain the day mouth your 2000 and something। मतलब अगर तुमसे कोई डेट पूछेगा तो तुम बोल दोगे 2000, मतलब अभी 2023 चल रहा है लेकिन बुक में ऐसा दे रखा है तो उससे समझ लेता है तो 2000। But these are counted from the date। क्या तुम श्योर कह सकते हो कि 2000 ही है? जनरली द बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट, जब जीजस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, जो फाउंडर क्रिश्चियंस के, मतलब उनके धर्म के, सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद को 2000 साल हो गया ऐसे। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट कंटेन बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव अ बीसी, और उसे बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। एडेड एंड इट बुक विल बी डेटेड गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000। जैसे सबसे पहले किर्थारो वहाँ पर कितने साल किया था? 8000 साल पहले, लेकिन वो 8000 साल नहीं है, वो 10000 साल है, क्योंकि अभी ये 2000 जोड़ो पिछले, क्या 8000 जोड़ो तो 10000 ऐसे। आप समझ गए ना डेटिंग? अब अगर मैं आपको और समझा देता हूँ, जैसे ये है, यहाँ से जीसस क्राइस्ट स्टार्ट हुए, यहाँ तक हुए, और एडी आफ्टर डेनोमी, तो मतलब ये जो 8000 साल हो गए वो इधर हो गए, और इधर के 2000 साल, तो ऐसे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।